राम ही भक्ति राम ही पूजा, राम सिवा नहीं जग में दूजा। सुबह भी राम शाम भी राम, राम ही भक्ति राम ही शक्ति, राम नाम से मिलती मुक्ति। जो भी जपते राम का नाम, राम ही मोह है राम ही माया, कण कण में है राम समाया। राम नाम सभी पाप जलाए, महामंत्र मुनि विषय व्याल की, जपत ही मिटत कुअंक भाल की। जन्म मरण का संशय गयऊं, सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखेऊं रामा। राम नाम से प्राणी तरते, जब जब होई धर्म की हानि। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब राम लिए अवतार। राम ही मारे राम दुलारे, संकट से प्रभु राम उबारे। भक्त जनों के राम ही ईश्वर, जल के ऊपर से तू बनाए। राम नाम पत्थर तैराए, राम की चरण धूलि जो पाए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम नाम के वट को तारे, जब तू सारे जग से हारे। छोड़ दे नैया राम सहारे, बन के आएंगे पतवार। राम नाम जप कीजिए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो जप आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। मर्यादा में जीना सिखाए, सबके हृदय में राम समाए। सबसे बड़ा है जग में नाम, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, हरि हर कथा विराजत बेनी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी, उनि बंदउ शारद सुर सरिता। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। महावीर विनवउ हनुमाना, रघुपति चरण उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते, जनक सुता जग जननी जानकी। राम भगत हित नर तन दारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भंजे उ राम आपु भव चापु। भव भय भंजन राम प्रतापु, निशिचर निकट दले रघुनंदन। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नारद जाने उ राम प्रतापु, कहो कहाँ लगी राम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुण गाई, नाम जपत प्रभु दिए प्रसाद। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुन अचरज नहीं मानहु जिनके विमल विचार।
राम नाम ही केवल अपना, माया मोह जगत सब सपना, बंद जुबा की खोल के ताला। भक्त पे जब जब संकट आया, राम प्रभु ने आके बचाया, भक्त प्रहलाद का संकट टारा। भक्त विभीषण शरण में आया, राम ने उसको गले लगाया, सुग्रीव के बने सहारे। राम नाम की महिमा भारी, अति मनोहर मंगलकारी, जो जन राम नाम गुण गाए, ब्रह्मा शिव भी दर पे आते, राम शरण में शीश झुकाते। नारद ने जप राम का कीना, राम नाम है जग का सार, सबके जीने का आधार, अन्नदाता धनदाता राम, नर और नारायण है राम, तुलसी के रामायण राम, गीत और संगीत भी राम। राम शरण में ध्यान लगाया, वैदेही ने राम को पाया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जो जन करे राम की भक्ति, उसको मिलती अनुपम शक्ति। राम नाम जप के हनुमाना, राम नाम कपि जब जब लीना, पल में पार समंदर कीना, सुरसा बदन पेठ विस्तारा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। महावीर को रोक न पाई, हार के सुरसा शरण में आई, राम दूत लंकिनी ने रोका, अक्षय कुमार को कपि संहारे, राम नाम ले लंका जारे, सीता माँ का पता लगाए, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बक्सर में यज्ञ करने को ठानी, ताड़का सुबाहु राक्षस आए, राम नाम में शक्ति अपारा, जाने विदित सकल संसारा, राम कृपा जग जननी जानकी, राम नाम जो निश दिन गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, श्री राम जय जय राम, जब भजो तब राम ही राम, आते जाते जय श्री राम। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, शारदा शरण में शीश झुकाए, राम पिता की आज्ञाकारी, राम देखी हर्षित महतारी, सारे अयोध्या के नर नारी, गणिका गिद्ध अजामिल तारे, पापी को भी राम उबारे, अंत में राम जो मुँह से कहता, सदाचार श्री राम सिखाए, सत्य सनातन धर्म बचाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए, राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, राम नाम जो भी जपे, जन्म सवारत हो,
जग है भिखारी दाता राम, सबके भाग्य विधाता राम, दुखियों के दुख पल में मिटाए राम पिता का वचन निभाए, छोड़ अयोध्या वन में आए, राजा से बन गए वनवासी। रथ पे जब सुमंत बैठाए, सबकी नैना नीर बहाए, दशरथ खुद को रोक न पाए, अत्रि मुनि के आश्रम आए, आदर सहित मुनि बैठाए, तप ज्ञान वैराग्य सिखाए, अनसुईया माँ पतिव्रता नारी, संग में देखी सिया सुकुमारी, पतिव्रता का पाठ पढ़ाई। भरत जी जब ननिहाल से आए, राम विछोह को सह नहीं पाए, चित्रकूट को दौड़े आए, कैकई लौटा देगी वर को, लौट चलो भैया तुम घर को, भरत जी बहु भांति समझाए, सिर पे खड़ाऊं आँख में पानी, भरत जी ले चल राम निशानी, राम खड़ाऊं का पूजन कीना, राम राम कही राम सहारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, राम नाम ही यंत्र तंत्र है, जात पात पूछे नहीं कोई, राम भजे सो राम के होई, सबके दिल में है श्री राम, राम जपो आधो घड़ी, घड़ियों में पुनिया, राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध, वेद पुराण सभी ने माना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, राम की निंदा सुने जो काना, मन में बसेंगे जब श्री राम, बन जाएंगे बिगड़े काम, विश्वामित्र अयोध्या आए, विश्वामित्र मुनि मुस्काए, राम को बहु भांति समझाए, ताड़ का सुबाहु दुराक्षस रहते, राम धर्म की लाज बचाओ, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ, ताड़ का सुबाहु कुमार गिराओ, विश्वामित्र की आज्ञा पाए, तीर धनुष श्री राम उठाए, तनिक नहीं प्रभु देर लगाए, राम नाम ही एक अधारा, राम बिना कोई उतरे न पारा, राम नाम से जो प्रीत लगाए, धरती पे हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पापी जब उत्पात मचाए, आन बान सम्मान है राम, संत जनों की शान है राम, दीन दुखियों के भाग्य विधाता, संकट में जो राम पुकारे, राम उसे देते हैं सहारे, राम कृपा से सब कुछ मिलता, देख लो करके राम की भक्ति, मिलेगी तुमको अनुपम शक्ति, जिस पे राम कृपा बरसाए, राम कृपा से जीव का होता है उद्धार, अंत समय में राम ही करते बेड़ा पार,
पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आदि मध्य और अंत है राम। सीता जी के प्यारे राम, खरदूषण को मारे राम, सभी संकट से राम बचाए, गुण देते अवगुण हर लेते, भक्त जो चाहे वो वर देते, राम नाम अनमोल रतन है, राम ही करे राम करवाए, राम हंसाए राम रुलाए, छोड़ दे नैया राम सहारे, जिसने राम नाम गुण गाई, अंत समय में सदगति पाई, राम जपे जो मन चित लाई, राम से सागर पार न पाया, राम के आगे शीश झुकाया, हार के राम शरण में आया, बुद्धि और विवेक है राम, रूप अनेकों एक है राम, राम ही ब्रह्म है राम ही ईश्वर, चारों वेद के सार है राम, श्री हरि के अवतार है राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, जा पर जा कहूँ संकट होई, निश्चय राम ही सुमिरे सोई, पल में संकट दूर हो जाए, संत हित को लिए अवतारा, खर दूषण को राम ने मारा, रावण सुनते ही समाचार, राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप, क्रोध में लंका पति गुस्साया, कुंभकर्ण को जाके जगाया, कुंभकर्ण योद्धा बलवाना, रण में सन्मुख राम के आया, बहुत ही सेना मार गिराया, विभीषण को पकड़ के छोड़ा, बोला रण में भले मर जाऊं, लेकिन कुल द्रोही न कहाऊं, भीषण गर्जन किया बलशाली, युद्ध में सन्मुख राम जी आए, कुंभकर्ण को मार गिराए, सुना मेघनाथ बलवान, नागपाश का किया संधान, राम लखन हुए मृतक समान, सुन के सूचना गरुण जी आए, वीर लखन मेघनाथ कुमारे, श्री राम रावण संहारे, लंका विभीषण को दीना, 14 वर्ष वन में बिताए, सब असुरों को मार गिराए, सीता जी को अयोध्या लाए, मार के सारे पापी तारे, पापी तर गए राम सहारे, धरती के सभी पाप मिटाए, राम की अमृत धारा को सुने जो ध्यान लगाए, दुख दरिद्र सब कट जाए, राम शरण वो पाए, विष्णु जी अवतार धार के हो, विष्णु जी अवतार धार के लीला बड़ी दिखाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम,
बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। दिन चैत्र शुक्ल नवमी का जब राम रूप में आए, दशरथ के महलों में थे बड़े उमंग रंग छाए, गए झूम अयोध्या वासी दिन भागों वाला आया, सुमित्रा के दो पुत्र एक कैकई ने जाया, गुरु वशिष्ठ बुला के था फिर नामकरण करवाया, कौशल्या के पुत्र राम के कई कबरत कहाया, दो बालक थे सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लगे देवता करने इन सबके दिव्य दर्शन, बाल लीलाएं देख के भक्तों फूले नहीं समाते, राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। गुरुवर से लेकर शिक्षा सीखे थे अस्त्र चलाने, प्रवीण हुए विद्या में ये चारों बड़े सयाने, गुरु पत्नी अरुंधति भी उन्हें चूमे बारंबारी, जब लौट के आए अयोध्या सर झुकाए नर और नारी, राज वेश में चारों बहुतों लगते अति ही प्यारे, तीनों माताएं धन्य दशरथ भी जाते बारे, एक दिन राज महल में ऋषि विश्वामित्र पधारे, दशरथ को फिर दर्द सुनाया कुछ हर कष्ट हमारे, राम लखन को ले जाऊं मैं राक्षस बड़े सताते, राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। मारग में ताड़का मारी श्री राम ने बाण चलाया, दैत्यों को सबक सिखा के यज्ञ पूर्ण था करवाया, फिर राम लखन दोनों को ऋषि जनकपुरी में लाए, सीता का जहां स्वयंवर थे बड़े बड़े राजा आए, पिनाक तोड़ने वाली फिर तो राजन शर्त लगाई, जो कोई तोड़े धनुष वो जनकपुरी का जवाई, श्री राम विष्णु अवतारी अद्भुत रच दी माया, अहिल्या को फिर पैर लगाकर शाप से मुक्त कराया, धनुष जहाँ रखा था शिव का उसी जगह आ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। श्री राम ने धनुष उठाया एक पल में तोड़ डाला, जनक नंदनी सीता ने डाली थी वरमाला, पावन नगरी अयोध्या सब झूमे नाचे गाए, चारों भाई फिर मिलकर थे चार दुल्हनियां लाए,
जिसकी आस नहीं थी दिन ऐसा ही फिर आया। मैं हो जाऊं सन्यासी था दशरथ ने फरमाया, राजा राम बना दूं दशरथ ने सलाह बनाई, राजा मेरा भरत बनेगा कैकेयी ने टांग अड़ाई। रामचंद्र वनवासी होंगे दशरथ आंसू बहाते, राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, लिखे विधना ने वो डाल सके ना कोई। अपने किए क्या होता जो राम करे सो होई। दशरथ के महलों में फिर छा गई थी घोर उदासी, थे राम लखन और सीता होके थे चले बनवासी। प्रेम भरत का उनको देखो वापिस ला ना पाया, चरण पादुका लेकर वो फिर नगर अयोध्या आया। पुत्र बिछोह में दशरथ भक्तों छोड़ गए तन चोला, बेबसी थी सबको दुख विपदा में मन था डोला। पंचवटी में कुटी बना के राम जी समय बिताते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। मोहित हुई रघुवर पर त्रिशूप नखा वहाँ आई, लक्ष्मण ने नाक काट दी वो लंका जा चिल्लाई। फिर रावण ने छल करके सीता का हरण किया था, रस्ते में अड़ा जटायु रावण ने काट दिया था। सीता जी की खोज में रघुवर लखन बड़ा दुख पाए, शबरी की कुटिया में आकर प्रेम से बेर दिखाए। सुग्रीव से हुई मित्रता मिला हनुमत फिर प्यारा, बाली को दंड दिया था उसे तीर फिर मारा। मुंदर लेकर हनुमान जी लंका में उड़ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। सुरसा और लंकिनी भी रास्ता रोक न पाई, वाटिका में मैया सीता हनुमत को नजर थी आई। मुद्रिका देकर हनुमत चरणों में झुक गए जाके, प्रभु राम जिले ने आए यूं बोले शीश नवाके। वाटिका थी खूब उजाड़ी अक्षय कुमार संघारा, ब्रह्म पाश में बंद गए जाकर रावण को ललकारा। जब पूछ में आग लगी ना राम दूत घबराया, रावण रह गया देखता सारी लंका को था जलाया। चूड़ा मणि को लेके हनुमत लौट के वापिस आते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम।
रघुवर को चूड़मणी में सीता ही नजर थी आई। सारा दल बल ले करके लंका पर कर दी चढ़ाई। हो हनुमत जैसा सेवक फिर कौन सी बात से डरना। था अंत निकट रावण का संग में कुटुंब को मरना। एक एक करके मर गए योद्धा हो गई लंका खाली। लखन लाल को लागी शक्ति शक्ति वो शक्तिशाली। पवन वेग से उड़कर देखो हनुमत बूटी लाए। वैद सुषेण थे हाजिर बूटी से फिर प्राण बचाए। विभीषण जी को छोड़ सभी फिर जंग में मारे जाते। राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम बोलो जय 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 श्री राम। जब मर गए बेटे भाई तो अंत में रावण आया। फिर प्राण कहाँ थे तन में विभीषण ने बतलाया। बाणों से गगन ढका था युद्ध दिन में रहता जारी। इस युद्ध को देख रही थी देवों की नगरी सारी। रघुवर ने फिर ब्रह्म अस्त्र रावण की ओर चलाया। काट दिए दश शीश थे उसके धरती पे उसे गिराया। उड़ गए थे फिर प्राण पखेरु लग रहे थे जयकारे। पापी का फिर अंत हुआ गिन गिन कर देते थे मारे। घर का वेदी लंका ढाए सुनते तभी से आते। राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम बोलो जय 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 श्री राम। सीता की अग्नि परीक्षा फिर ली थी श्री राम ने। वह सबको था चौंकाया श्री रघुवर परम धाम ने। कोई दोष नहीं सीता में ये अग्नि देव समझाते। पुष्पक विमान में चढ़ के सारे अयोध्या को आते। सबसे अधिक थे खुशी में झूमे भरत लाल जी भाई। मूर्छित हो गए खुशी में भक्तों खुशी न छुपी छुपाई। फूलों की कर दी वर्षा नगरी में दीप जलाए। वनवास थे काट के रघुवर आज अयोध्या आए। राज्यभिषेक हुआ रघुवर का जय जयकार लगाते। राम की कथा सुनाते सबको राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम बोलो जय 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 श्री राम। अरे अप्सरा नृत्य थी सारी लगे गंधर्व गाना गाने। रत्न आभूषण फिर बांटे भरपूर थे सभी खजाने। आदर सम्मान को पाके सब लौटे बारी बारी। सिया राम के सेवक सच्चे मुस्काए रहे बलकारी। ना हीरे और मोती चाहिए ना में वाके भूखे। हम सेवक हैं सिया राम के बस सेवा के भूखे। मेरे सतगुरु श्री करण सिंह ने मुझे ज्ञान सिखाया।
कमल सिंह रघुवर की कोई माया जान न पाया। राम नाम नित गाने वाले राम की कृपा पाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, जग में सबसे बड़ा राम प्रभु का नाम। सबके मनोरथ सिद्ध करें सियापति श्री राम। जीवन नैया जो फंसे तेरी बीज मझधार, छोड़ दे नैया राम सहारे राम करेंगे पार। कष्ट सताए जो कोई भजो रे मन श्री राम, सारे कष्ट मिट जाएंगे लेते पावन नाम। रामायण जो भी पढ़े राम में मन को रमाए, उसके बिगड़े काम बने जीवन सफल हो जाए। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हो राम भजे होए त्रिविध कल्याण। काम क्रोध मद लोभ मरे मन का मिटे अंधकार, राम नाम रटते रहो भरे ज्ञान भंडार। इस जग में दो चीज है एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति हो पैसे से हर काम। राम नाम का जाप करो प्राणी सुबह हो शाम, आयु बल विद्या बढ़े मिले मान सम्मान। जब सारे मुँह मोड़ ले सूझे न कोई उपाय, नाम भजो श्री राम का प्रभु लेंगे अपना। राम नाम ही सत्य है मिथ्या सब संसार, राम ही तारे राम उबारे राम करे भव पार। राम नाम के कीर्तन से सुखी रहे परिवार, दूर हो मन की दुर्बलता जागे उच्च विचार। राम नाम के जपने से मिटता है अभिमान, राम कृपा से निर्धन भी हो जाता धनवान। से रक्षा करे शत्रु से राम बचाए, करते दूर कुसंगति को जीवन सरल बना। राम नाम किस्मत चमकाए सपने करे साकार, राम की जिस पे हो कृपा बढ़ता रहे व्यापार।
भव बंधन को दूर कर मुक्ति दिला तेरा। सबका भाग्य विधाता है पावन प्रभु का नाम। राम नाम को लूट ले लगे न कोई दाम। शुरू से लेकर अंत तक राम ही आए काम। भक्तों की कभी न होती हार। विजयी हो हर क्षेत्र में राम की महिमा पार। सुख शांति वैभव बढ़े हर दिन बढ़ती आए। पूर्ण हो मनोकामना राम जो होए सहाय। भक्तों पे दया सदा करते दया निधि श्री राम। श्री राम के नाम से बनते बिगड़े काम। श्रद्धा सहित श्री राम का करता जो गुणगान। यश कीर्ति वैभव मिले चमके सूर्य समान। नाम लेकर करे दीन हीन को दान। धन उसका कभी ना घटे जग में बने महान। राम के चरणामृत का जो भी करे रस पान। राम की उस पे हो कृपा कभी न हो परेशान। भोग में तुलसी डाल कर जो प्रसाद को चढ़ाए। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो मन चाहा फल पाए। जहाँ हो प्रतिमा राम की वहाँ न शोक समाए। पूजन से श्री राम के घर भी स्वर्ग हो जाए। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायणा केशवा, गोविंदा गरुड़ाध्वजा, गुणनिधे दामोदरा माधवा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने द्वारा रचित पावन परम ग्रंथ रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। इस घनघोर कलयुग में भी शारदीय नवरात्रों में प्रभु श्री राम जी की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसे प्रभु राम जी के लाखों करोड़ों भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ देखते हैं और प्रभु श्री राम जी की कृपा का पात्र बनते हैं। आज मैं भी आपको इस संगीत में कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम जी की पावन परम लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं, जिससे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर प्रभु राम के चरणों का ध्यान करते हुए मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की।
भक्तों राम की गाथा सुनाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। भक्तों के कष्ट हरने को, भक्तों के पाप हरने को, भक्तों के कष्ट हरने को, भक्तों के पाप हरने को, हरि राम रूप में आए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। राम की कथा सुनाए भक्तों, राम की गाथा सुनाए। राम की कथा सुनाए भक्तों, राम की गाथा सुनाए। रामायण की पवित्र कथा प्रारंभ होती है भक्तों माँ धरती के नारायण हरि के सन्मुख जाने से। रावण के पापों से पूर्णतः त्रस्त होकर माँ धरती ने गैया का रूप बनाया और समस्त देवी देवताओं को लेकर वैकुंठ लोक पहुँच गई। हरि योग निद्रा में हैं कि गैया बनी धरती और देवी देवता हाहाकार मचाते हुए वैकुंठ लोक में आ गए हैं। नारायण हरि ने नेत्र खोले और देखा कि माँ धरती और देवी देवता व्याकुल स्वर में कोलाहल कर रहे हैं। तब धरती माँ ने कहा, हे प्रभु, इस रावण के पाप ताप संतापों से मेरा रक्षण कीजिए, मुझ पर भार बढ़ता जा रहा है। तब नारायण हरि ने धरती माँ को वचन भराया कि हे माँ धरती, मैं शीघ्र ही महाराजा दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा और आप सबके कष्टों को हरूंगा। नारायण हरि ने अपना वचन निभाया। भक्तों, अपने तीन और भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित अयोध्या नरेश दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। किशोरावस्था में आते ही उन्होंने मुनि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की तथा शिक्षा पाकर महलों को लौटा। उसके पश्चात मुनि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण को लेकर उनके यज्ञों की रक्षा करने वनों में आ गए। प्रभु राम जी की पावन लीला प्रारंभ हो चुकी है। भक्तों, आइए आगे क्या क्या प्रसंग होते हैं आपको सुनाता हूँ। संग में भाई को लेकर प्रभु वनों में आए। पापी ताड़िका और सुबाहु पल में मार गिराए। गुरु के संग में भाई को लेकर प्रभु वनों को आए। पापी ताड़िका और सुबाहु पल में मार गिराए। चरणों की रज देकर भक्तों नार अहिल्या तारी। प्रभु राम की लीला भक्तों सारे जग में न्यारी। मिथिला नगरी में आए शिव धनुष को तोड़ गिराए। मिथिला नगरी में आए शिव धनुष को तोड़ गिराए। सीता संग ब्याह रचाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी आए। भक्तों, जहाँ मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ था। प्रभु श्री राम जी ने शिव धनुष को भंग कर स्वयंवर की शर्त को पूर्ण किया और सीता जी संग विवाह किया।
महाराजा जनक ने अपनी अन्य तीन पुत्रियां उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संग करवा दिया। सजी धजी बारात चारों भाइयों और उनकी वधुओं के साथ अयोध्या आई है। झूम रही है, नाच रही है, प्रसन्नता मना रही है कि तभी दशरथ जी के मन में विचार आता है कि बस अब समय आ गया है कि मैं अपने पुत्र राम को राजपाट सौंप कर वन गमन को चला जाऊं। जैसे ही ये समाचार अयोध्या नगरी ने सुना, खुशियां और दोगुनी चौगुनी हो गई। परंतु कुटिल मंथरा, उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। भक्तों, उसने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी ने अपने धरोहर में रखे दो वरदान दशरथ जी से मांग लिए। पहले से भरत को राज्य और दूजे से राम जी को 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचनों की लाज रखने हेतु प्रभु राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित तापसी रूप में वन गमन को आ गए। भक्तों, अब प्रभु की लीला क्या क्या रंग दिखा रही है, अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पावन संगीत में कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जरा एक बार सच्ची श्रद्धा और प्रेम से जयकारा तो बोल दीजिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की। वचन की लाज निभाने प्रभु वनों को आए, केवट नैया में बैठाए गंगा पार लगाए। हाँ, पिता वचन की लाज निभाने प्रभु वनों को आए, केवट नैया में बैठाए गंगा पार लगाए। पंचवटी में भ्रात लखन ने कुटिया एक बनाई, शूप नखा रावण की बहन भक्त वहाँ पर आई। लक्ष्मण ने बर्च चलाई, वो नाक और कान कटाई। वो बड़ा ही रुदन मचाई। आओ भक्तों, राम की गाथा सुनाए। लक्ष्मण जी के हाथों नाक और कान कटवाकर बदले की आग में जलती हुई स्तूप नखा अपने भाइयों खर और दूषण के सन्मुख पहुंचती है। खर दूषण उसका ये हाल देखकर क्रोध में धधकने लगते हैं तथा भारी सेना लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सन्मुख पहुंचते हैं। परंतु वो क्या जानते थे कि वो जिन्हें एक मामूली तापसी समझ रहे हैं, वो इस सृष्टि के पालनहार नारायण हरि के अवतार साक्षात भगवान राम जी हैं। भगवान राम जी ने अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर खर दूषण और उसकी सेना का एक ही पल में सफाया कर दिया। यह देख श्रूप नखा अपने कटे नाक कान लेकर अपने भाई रावण के सन्मुख आई और हाहाकार मचाने लगी। रावण ने जब सारी बात जानी तो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु उन्होंने माँ सीता का छल से हरण कर लिया। भक्तों, सीता जी को खोजते खोजते प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी ऋषि मुख पर्वत के निकट आते हैं, जहाँ उनकी भेंट उनके परम भक्त श्री हनुमान जी से होती है और हनुमान जी उनकी मित्रता सुग्रीव राज जी से करवा देते हैं। प्रभु श्री राम जी बाली को मारकर सुग्रीव को राजपाट सौंप देते हैं, जिसके बदले में सुग्रीव जी अपनी सारी सेना माँ सीता की खोज में लगा देते हैं। श्री हनुमान जी भी
जामवंत अंगद सहित समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद कराते हैं और हनुमान जी एक ही कूद में सागर लांग कर माँ सीता की सुधि ले आते हैं और रावण की लंका को जला कर भी आ जाते हैं। अब सागर पर सेतु बांध कर राम जी की सेना लंका में आ गई है और लीजिए लक्ष्मण जी और रावण के पुत्र मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हो गया है। भक्तों, मेघनाथ ने माया रचाई, लखन पे बरछ चलाई, मूर्छित होकर धरा पे गिर गए भक्तों लक्ष्मण भाई। मेघनाथ ने माया रचाई, लखन पे बरछ चलाई, मूर्छित होकर धरा पे गिर गए भक्तों लक्ष्मण भाई। हनुमान जी वैद्यराज को लंका से ले आए, संजीवन बूटी ले आओ वैद्यराज ये बताए। हनुमत उड़ करके धाए, बूटी का पर्वत लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। आओ भक्तों, राम की गाथा सुनाए। बूटी वाला पर्वत लाकर श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और भरत के समान उन्हें अपना भाई बताया। और इधर लक्ष्मण जी का क्या कहना, मूर्छा के वापस आते ही लक्ष्मण जी एक बार फिर मेघनाथ के सम्मुख युद्ध करने जाना चाहते हैं। भैया राम के चरणों में गिर कर बार बार प्रार्थना की तो भगवान राम ने इसकी अनुमति दे दी। लक्ष्मण जी और मेघनाथ एक बार फिर आमने सामने हैं। भयंकर युद्ध हुआ, मायावी युद्ध का प्रयास मेघनाथ ने फिर किया, परंतु इस बार भाई लक्ष्मण पूरी तरह सचेत थे। उनकी एक एक प्रहार का उत्तर देते हुए अब की बार श्री लक्ष्मण जी ने वो अमोघ शक्ति चलाई कि मेघनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। इसी तरह से कुंभकर्ण, वज्रमुष्टि और रावण के सभी योद्धा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, हनुमान जी और सुग्रीव जी ने एक एक कर मार गिराए। अब वो घड़ी आ गई भक्तों, जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि कर रही है। सत्य की असत्य पर विजय होने को है, पुण्य पाप को परास्त करने वाला है। भक्तों, प्रभु श्री राम और रावण एक दूसरे के सन्मुख हैं, एक से एक अमोघ शक्तियां दोनों एक दूजे पर चला रहे हैं। राम जी ने रावण के दसों शीश काट डाले, परंतु वो था कि मर ही नहीं रहा था। ऐसे में विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं ये मरेगा नहीं। तब प्रभु श्री राम ने अग्नि बाण को साध कर रावण की नाभि में मारा भक्तों, और जैसे ही अमृत सूखा रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। तीनों लोग प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं, नभ से देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने सीता जी को रावण की कैद से मुक्त करवाया तथा पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या नगरी वापस आ गए। और इधर अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम का कैसे स्वागत कर रही है, आइए सुनाता हूँ। परंतु प्रभु श्री राम की विजय के उपलक्ष्य में एक जयकारा तो लगा दीजिए मेरे साथ। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की।
रावण मार के राम लखन सिया लौट अयोध्या आए। नगरी अयोध्या दीप जला कर दीपावली मनाए। के राम लखन सिया लौट अयोध्या आए। नगरी अयोध्या दीप जला कर दीपावली मनाए। भाई भरत की खुशी न पूछो फूले नहीं समाए। माताएं आरती उतारे मंगल गान तिगाए। श्रृंगार प्रभु करवाए सिंहासन पर बिठवाए। प्रभु राज तिलक करवाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। गुरु ने मंत्र पाठ करवाकर प्रभु श्री राम जी को राज मुकुट पहनाकर अयोध्या का राजा बना दिया। भक्तों देवी देवताओं ने नभ से पुष्पों की वर्षा की और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार की। देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने प्रभु श्री राम जी को राज तिलक की बधाइयां दी और ढेर सारे उपहार भी प्रदान किए। नगरी अयोध्या ने घर घर में घी के दीप जलाकर उस काली अंधियारी रात को दीपों से रोशन उजियारा बना दिया। भक्तों नृत्य संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। माताएं मंगल गान गा रही हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चंवर ढुरा रहे हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठकर उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा विहंगम दृश्य ना तो सृष्टि ने पहले कभी देखा था भक्तों, और न ही कभी दोबारा देखेगी। तो ये थी भक्तों पावन प्रभु श्री राम जी की कथा। यदि कथा कहने में लिखने में और सुनाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ प्रभु का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की। बोलिए मैया सीता जी की। बोलिए भैया लक्ष्मण लाल जी की। राम लखन और सीता का सोला श्रृंगार कराए। गुरुदेव ने मंत्र पढ़े और राम को राजा बनाए। ओ राम लखन और सीता का सोला श्रृंगार कराए। गुरुदेव ने मंत्र पढ़े और राम को राजा बनाए। भरत लक्ष्मण चवर ढुराए हनुमत चरण दबाए। भाई शत्रुघ्न चरण धूल से चंदन तिलक लगाए। नभ से है पुष्प बरसाए सब जय जयकार लगाए। सब राम दरस है पाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। भगवान श्री राम ने राजा बनकर समस्त आर्यावर्त में राम राज्य स्थापित किया। भक्तों जिसकी चर्चा आज भी इस घनघोर कलयुग में होती है। इसीलिए भक्तों इस घनघोर कलयुग में यदि पाप ताप संताप मिटाने हो तो एक माला प्रभु श्री राम जी के नाम की अवश्य फिराइए। जिस तरह अपने परम भक्त हनुमान जी पर श्री राम जी ने अपनी कृपा बरसाई है, वैसे ही वो आप सब पर ही कृपालु हो, मेरी यही मंगल कामना है।
तो ये प्रण लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुलसीदास जी के कहे अनुसार कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप भी चाहे कितने ही व्यस्त हों, जब भी समय मिले आप प्रभु श्री राम जी के नाम का सुमिरन करते रहें। तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए मैया सीता की, बोलिए श्री लखन लाल जी की, बोलिए राम भक्त हनुमान जी की। राम ही भक्ति, राम ही पूजा, राम सिवा नहीं जग में दूजा, सुबह भी राम शाम भी राम, राम ही भक्ति, राम ही शक्ति, राम नाम से मिलती मुक्ति, जो भी जपते राम का नाम, राम ही मोह है राम ही माया, कण कण में है राम समाया, राम नाम सभी पाप जलाए, महामंत्र मुनि विषय ब्याल की, जपत ही मिटत कुअंक भाल की, जन्म मरण का संशय गयूं, सुमिरि पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखेऊं रामा, राम नाम से प्राणी तरते, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ेऊं असुर अधम अभिमानी, तब तब राम लिए अवतार, राम ही मारे राम दुलारे, संकट से प्रभु राम उबारे, भक्त जनों के राम ही ईश्वर, जल के ऊपर सेतु बनाए, राम नाम पत्थर तैराए, राम की चरण धूलि जो पाए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम नाम के वट को तारे, जब तू सारे जग से हारे, छोड़ दे नैया राम सहारे, बन के आएंगे पतवार, राम नाम जप कीजिए तज ममता अभिमान, ज्यो ज्यो जप आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, मर्यादा में जीना सिखाए, सबके हृदय में राम समाए, सबसे बड़ा है जग में नाम, राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, हरि हर कथा विराजत बेनी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जा पर कृपा राम की होई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी, उनि बंदउ शारद सुर सरिता, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, महावीर विनमउ हनुमाना, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, जनक सुता जग जननी जानकी, राम भगत हित नर तन धारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भंजे उ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन राम प्रतापु, निशिचर निकट दले रघुनंदन,
नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि नारद जाने राम प्रताप कहो कहाँ लगी राम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई नाम जपत प्रभु दिए प्रसाद राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुन अचरज नहीं मानहु जिनके विमल विचार राम नाम ही केवल अपना माया मोह जगत सब सपना बंद जुबा की खोल के ताला भक्त पे जब जब संकट आया राम प्रभु ने आके बचाया भक्त प्रहलाद का संकट टारा भक्त विभीषण शरण में आया राम ने उसको गले लगाया सुग्रीव के बने सहारे राम नाम की महिमा भारी अति मनोहर मंगलकारी जो जन राम नाम गुण गाए ब्रह्मा शिव भी दर पे आते राम शरण में शीश झुकाते नारद ने जप राम का कीना राम नाम है जग का सार सबके जीने का आधार अन्नदाता धनदाता राम नर और नारायण है राम तुलसी के रामायण राम गीत और संगीत भी राम राम शरण में ध्यान लगाया वैदेही ने राम को पाया जन्म जन्म मुनि जतन कराही जो जन करे राम की भक्ति उसको मिलती अनुपम शक्ति राम नाम जप के हनुमाना राम नाम कपि जब जब लीना पल में पार समंदर कीना सुरसा बदन पैठ विस्तारा राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत काल पछताओगे प्राण जाए जब छूट महावीर को रोक न पाई हार के सुरसा शरण में आई राम दूत लंकिनी ने रोका अक्षय कुमार को कपि संहारे राम नाम ले लंका जारे सीता माँ का पता लगाए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बक्सर में यज्ञ करने को ठानी ताड़का सुबाहु राक्षस आए राम नाम में शक्ति अपारा जाने विदित सकल संसारा राम कृपा जग जननी जानकी राम नाम जो निश दिन गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे श्री राम श्री राम श्री राम कहिए श्री राम जय जय राम जब भजो तब राम ही राम आते जाते जय श्री राम गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई शारदा शरण में शीश झुकाए राम पिता की आज्ञाकारी राम देखी हर्षित महतारी सारे अयोध्या के नर नारी
कणिका गिद्ध अजा मिलता रे, पापी को भी राम उबारे। अंत में राम जो मुँह से कहता, सदाचार श्री राम सिखाए, सत्य सनातन धर्म बचाए, छोटे बड़े का भेद मिटाए। राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। राम नाम जो भी जपे, जन्म सवारत हो। जग है भिखारी दाता राम, सबके भाग्य विधाता राम, दुखियों के दुख पल में मिटाए। राम पिता का वचन निभाए, छोड़ अयोध्या वन में आए, राजा से बन गए वनवासी। रथ पे जब सुमंत बैठाए, सबकी नैना नीर बहाए, दशरथ खुद को रोक न पाए। अत्रि मुनि के आश्रम आए, आदर सहित मुनि बैठाए, तप ज्ञान वैराग्य सिखाए। अनसुईया माँ पतिव्रता नारी, संग में देखी सिया सुकुमारी, पतिव्रता का पाठ पढ़ाई। भरत जी जब ननिहाल से आए, राम विछोह को सह नहीं पाए, चित्रकूट को दौड़े आए। कैकई लौटा देगी वर को, लौट चलो भैया तुम घर को, भरत जी बहु भांति समझाए। सिर पे खड़ाऊँ आँख में पानी, भरत जी ले चले राम निशानी, राम खड़ाऊँ का पूजन कीना। राम राम कही राम सहारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राम नाम ही यंत्र तंत्र है, जात पात पूछे नहीं कोई, राम भजे सो राम के होई, सबके दिल में है श्री राम। राम जपो आधो घड़ी, घड़ियों में पुनिया, राम नाम के जाप से कटे कोटि अपराध। वेद पुराण सभी ने माना, हरि व्यापत सर्वत्र समाना, राम की निंदा सुने जो काना। मन में बसेंगे जब श्री राम, बन जाएंगे बिगड़े काम, विश्वामित्र अयोध्या आए। विश्वामित्र मुनि मुस्काए, राम को बहु भांति समझाए, ताड़का सुबाहु दुराक्षस रहते। राम धर्म की लाज बचाओ, मेरा यज्ञ पूर्ण करवाओ, ताड़का सुबाहु कुमार गिराओ। विश्वामित्र की आज्ञा पाए, तीर धनुष श्री राम उठाए, तनिक नहीं प्रभु देर लगाए। राम नाम ही एक अधारा, राम बिना कोई उतरे न पारा, राम नाम से जो प्रीत लगाए। धरती पे हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, पापी जब उत्पात मचाए। आन बान सम्मान है राम, संत जनों की शान है राम, दिन दुखियों के भाग्य विधाता।
संकट में जो राम पुकारे, राम उसे देते हैं सहारे। राम कृपा से सब कुछ मिलता, देख लो करके राम की भक्ति, मिलेगी तुमको अनुपम शक्ति। जिस पे राम कृपा बरसाए, राम कृपा से जीव का होता है उद्धार। अंत समय में राम ही करते बेड़ा पार। पुरुषों में सबसे उत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आदि मध्य और अंत है राम, सीता जी के प्यारे राम। हर दूषण को मारे राम, सभी संकट से राम बचाए। गुण देते अवगुण हर लेते, भक्त जो चाहे वो वर देते। राम नाम अनमोल रतन है, राम ही करे राम करवाए। राम हंसाए राम रुलाए, छोड़ दे नैया राम सहारे। जिसने राम नाम गुण गाई, अंत समय में सदगति पाई। राम जपे जो मन जित लाई, राम से सागर पार न पाया। राम के आगे शीश झुकाया, हार के राम शरण में आया। बुद्धि और विवेक है राम, रूप अनेकों एक है राम। राम ही ब्रह्म है राम ही ईश्वर, चारों वेद के सार है राम। श्री हरि के अवतार है राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जा पर जा कहूँ संकट होई, निश्चय राम ही सुमिरे सोई। पल में संकट दूर हो जाए, संत हित को लिए अवतारा। हर दूषण को राम ने मारा, रावण सुनते ही समाचार। राम नाम के जाप से मिटे शोक संताप, राम नाम की आग से भस्म हो जाते पाप। क्रोध में लंका पति गुस्साया, कुंभकर्ण को जाके जगाया। कुंभकर्ण योद्धा बलवाना, रण में सन्मुख राम के आया। बहुत ही सेना मार गिराया, विभीषण को पकड़ के छोड़ा। बोला रण में भले मर जाऊं, लेकिन कुल द्रोही न कहाऊं। भीषण गर्जन किया बलशाली, युद्ध में सन्मुख राम जी आए। कुंभकर्ण को मार गिराए, सुना मेघनाथ बलवान। नागपाश का किया संधान, राम लखन हुए मृतक समान। सुन के सूचना गरुण जी आए, वीर लखन मेघनाथ कुमारे। श्री राम रावण संहारे, लंका विभीषण को दीना। 14 वर्ष वन में बिताए, सब असुरों को मार गिराए। सीता जी को अयोध्या लाए, मार के सारे पापी तारे। पापी तर गए राम सहारे, धरती के सभी पाप मिटाए। राम की अमृत धारा को
सुने जो ध्यान लगाए, दुख दरिद्र सब कट जाए, राम शरण वो पाए। विष्णु जी अवतार धार के हो, विष्णु जी अवतार धार के लीला बड़ी दिखाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। दिन चैत्र शुक्ल नवमी का जब राम रूप में आए, दशरथ के महलों में थे बड़े उमंग रंग छाए, गए झूम अयोध्या वासी दिन भागों वाला आया, सुमित्रा के दो पुत्र एक कैकई ने जाया। गुरु वशिष्ठ बुला के था फिर नामकरण करवाया, कौशल्या के पुत्र राम के कई कबरत कहाया, दो बालक थे सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लगे देवता करने इन सबके दिव्य दर्शन, बाल लीलाएं देख के भक्तों फूले नहीं समाते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। गुरुवर से लेकर शिक्षा सीखे थे अस्त्र चलाने, प्रवीण हुए विद्या में ये चारों बड़े सयाने, गुरु पत्नी अरुंधति भी उन्हें चूमे बारंबारी, जब लौट के आए अयोध्या सर झुकाए नर और नारी। राज वेश में चारों बहुतों लगते अति ही प्यारे, थी तीनों माताएं धन्य दशरथ भी जाते वारे, एक दिन राज महल में ऋषि विश्वामित्र पधारे, दशरथ को फिर दर्द सुनाया कुछ हर कष्ट हमारे, राम लखन को ले जाऊं मैं राक्षस बड़े सताते, राम की कथा सुनाते तुमको, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। मारग में ताड़ का मारी श्री राम ने बाण चलाया, दैत्यों को सबक सिखा के यज्ञ पूर्ण था करवाया, फिर राम लखन दोनों को ऋषि जनकपुरी में लाए, सीता का जहां स्वयंवर थे बड़ बड़ राजाए, पिनाक तोड़ने वाले फिर तो राजन शर्त लगाई, जो कोई तोड़े धनुष वो जनकपुरी का जवाई, श्री राम विष्णु अवतारी अद्भुत रच दी माया, अहिल्या को फिर पैर लगाकर श्राप से मुक्त कराया, धनुष जहाँ रखा था शिव का उसी जगह आ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों, राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम,
उन्होंने धनुष उठाया, एक पल में तोड़ डाला। जनक नंदनी सीता ने डाली थी वरमाला, पावन नगरी अयोध्या सब झूमे नाचे गाए। चारों भाई फिर मिलकर थे चार दुल्हनिया लाए। जिसकी आस नहीं थी दिन ऐसा ही फिर आया, मैं हो जाऊं सन्यासी था दशरथ ने फरमाया। राजा राम बना दूं दशरथ ने सलाह बनाई, राजा मेरा भरत बनेगा कैकेयीन टांग अड़ाई। रामचंद्र वनवासी होंगे दशरथ आंसू बहाते, राम की कथा सुनाते तुमको राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, लिखे विधना ने वो डाल सके ना कोई। अपने किए क्या होता जो राम करे सो होई। दशरथ के महलों में फिर छा गई थी घोर उदासी, थे राम लखन और सीता होके थे चले बनवासी। प्रेम भरत का उनको देखो वापिस ला ना पाया, चरण पादुका लेकर वो फिर नगर अयोध्या आया। पुत्र बिछोह में दशरथ भक्तों छोड़ गए तन चोला, बेबसी थी सबको दुख विपदा में मन था डोला। पंचवटी में कुटी बना के राम जी समय बिताते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। मोहित हुई रघुवर पर त्रिशूप नखा वहाँ आई, लक्ष्मण ने नाक काट दी वो लंका जा चिल्लाई। फिर रावण ने छल करके सीता का हरण किया था, रस्ते में अड़ा जटायु रावण ने काट दिया था। सीता जी की खोज में रघुवर लखन बड़ा दुख पाए, शबरी की कुटिया में आकर प्रेम से बेर थिखाए। सुग्रीव से हुई मित्रता मिला हनुमत फिर प्यारा, बाली को दंड दिया था उसे तीर फिर मारा। मुंदर लेकर हनुमान जी लंका में उड़ जाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। सुरसा और लंकिनी भी रास्ता रोक न पाई, वाटिका में मैया सीता हनुमत को नजर थी आई। मुद्रिका देकर हनुमत चरणों में झुक गए जाके, प्रभु राम जिले ने आए यूं बोले शीश नवाके। वाटिका थी खूब उजाड़ी अक्षय कुमार संघारा, ब्रह्म पाश में बंद गए जाकर रावण को ललकारा। जब पूछ में आग लगी ना राम दूत घबराया,
रावण रह गया देखता सारी लंका को था जलाया। चूड़ा मणि को लेके हनुमत लौट के वापस आते, राम की कथा सुनाते, भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, रघुवर को चूड़मणि में सीता ही नजर थी आई। सारा दल बल ले करके लंका पर कर दी चढ़ाई। हो हनुमत जैसा सेवक फिर कौन सी बात से डरना, था अंत निकट रावण का संग में कुटुंब को मरना। एक एक करके मर गए योद्धा, हो गई लंका खाली। लखन लाल को लागी शक्ति, शक्ति वो शक्तिशाली। पवन वेग से उड़कर देखो हनुमत बूटी लाए, वैद्य सुषेण थे हाजिर बूटी से फिर प्राण बचाए। विभीषण जी को छोड़ सभी फिर जंग में मारे जाते, राम की कथा सुनाते, भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। जब मर गए बेटे भाई तो अंत में रावण आया, फिर प्राण कहाँ थे तन में विभीषण ने बतलाया। बाणों से गगन ढका था, युद्ध दिन में रहता जारी। इस युद्ध को देख रही थी देवों की नगरी सारी। रघुवर ने फिर ब्रह्म अस्त्र रावण की ओर चलाया, काट दिए दश शीश थे उसके, धरती पे उसे गिराया। उड़ गए थे फिर प्राण पखेरु, लग रहे थे जयकारे। पापी का फिर अंत हुआ, गिन गिन कर दैत्य थे मारे। घर का वेदी लंका ढाए, सुनते तभी से आते, राम की कथा सुनाते, भक्तों राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। सीता की अग्नि परीक्षा फिर ली थी श्री राम ने, वह सबको था चौंकाया श्री रघुवर परम धाम ने। कोई दोष नहीं सीता में ये अग्नि देव समझाते, पुष्पक विमान में चढ़ के सारे अयोध्या को आते। सबसे अधिक थे खुशी में झूमे भरत लाल जी भाई, मूर्छित हो गए खुशी में भक्तों, खुशी न छुपी छुपाई। फूलों की कर दी वर्षा, नगरी में दीप जलाए। वनवास थे काट के रघुवर आज अयोध्या आए, राज्याभिषेक हुआ रघुवर का जय जयकार लगाते। राम की कथा सुनाते, सबको राम की कथा सुनाते। बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम। कर
करे अप्सर नित्य थे सारी, लगे गंधर्व गाना गाने, रत्न आभूषण फिर बांटे भरपूर थे सभी खजाने, आदर सम्मान को पाके सब लौटे बारी बारी, सिया राम के सेवक सच्चे मुस्काए रहे बलकारी। ना हीरे और मोती चाहिए ना मेवा के भूखे, हम सेवक हैं सिया राम के बस सेवा के भूखे, मेरे सतगुरु श्री करण सिंह ने मुझे ज्ञान सिखाया, कमल सिंह रघुवर की कोई माया जान न पाया, राम नाम नित गाने वाले राम की कृपा पाते, राम की कथा सुनाते भक्तों राम की कथा सुनाते, बोलो जय 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 श्री राम, बोलो जय 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 श्री राम, जग में सबसे बड़ा राम प्रभु का नाम, सबके मनोरथ सिद्ध करें सियापति श्री राम, जीवन नैया जो फंसे तेरी बीच मझधार, छोड़ दे नैया राम सहारे राम करेंगे पार, कष्ट सताए जो कोई भजो रे मन श्री राम, सारे कष्ट मिट जाएंगे लेते पावन नाम, रामायण जो भी पढ़े राम में मन को रमाए, उसके बिगड़े काम बने जीवन सफल हो जाए, पवित्र सेवा किए धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हो राम भजे होए त्रिविध कल्याण, काम क्रोध मद लोभ मरे मन का मिटे अंधकार, राम नाम रटते रहो भरे ज्ञान भंडार, इस जग में दो चीज है एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति हो पैसे से हर काम, राम नाम का जाप करो प्राणी सुबह हो शाम, आयु बल विद्या बढ़े मिले मान सम्मान, सारे मुँह मोड़ ले सूझे न कोई उपाय, नाम भजो श्री राम का प्रभु लेंगे अपना, राम नाम ही सत्य है मिथ्या सब संसार, राम ही तारे राम उबारे राम करे भव पार, राम नाम के कीर्तन से सुखी रहे परिवार, दूर हो मन की दुर्बलता जागे उच्च विचार, राम नाम के जपने से मिटता है अभिमान, राम कृपा से निर्धन भी हो जाता धनवान, जपते
से रक्षा करे, शत्रु से राम बचाए। करते दूर कुसंगति को जीवन सरल बना। राम नाम किस्मत चमकाए, सपने करे साकार। राम की जिस पे हो कृपा, बढ़ता रहे व्यापार। भव बंधन को दूर कर, मुक्ति दिलाते राम। सबका भाग्य विधाता है, पावन प्रभु का नाम। राम नाम को लूट ले, लगे न कोई दाम। शुरू से लेकर अंत तक राम ही आए काम। प्रभु के भक्तों की कभी न होती हार। विजयी हो हर क्षेत्र में, राम की महिमा पार। सुख शांति वैभव बढ़े, हर दिन बढ़ती आए। पूर्ण हो मनोकामना, राम जो होए सहाय। भक्तों पे दया सदा करते, दया निधि श्री राम। श्री राम के नाम से बनते बिगड़े काम। श्रद्धा सहित श्री राम का करता जो गुणगान। यश कीर्ति वैभव मिले, चमके सूर्य समान। नाम लेकर करे दीन हीन को दान। धन उसका कभी ना घटे, जग में बने महान। राम के चरणामृत का जो भी करे रस पान। राम की उस पे हो कृपा, कभी ना हो परेशान। भोग में तुलसी डाल कर जो प्रसाद को चढ़ाए। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, मन चाहा फल पाए। जहाँ हो प्रतिमा राम की, वहाँ न शोक समाए। पूजन से श्री राम के घर भी स्वर्ग हो जाए। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे, नारायणा केशवा, गोविंदा गरुड़ाध्वजा, गुणनिधे दामोदरा माधवा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने द्वारा रचित पावन परम ग्रंथ रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। इस घनघोर कलयुग में भी शारदीय नवरात्रों में प्रभु श्री राम जी की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसे प्रभु राम जी के लाखों करोड़ों भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ देखते हैं और प्रभु श्री राम जी की कृपा का पात्र बनते हैं। आज मैं भी आपको इस संगीतमय कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम जी की पावन परम लीलाओं का वर्णन करने जा रहा हूं, जिससे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो एक बार फिर प्रभु राम के चरणों का ध्यान करते हुए
मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की। भक्तों राम की गाथा सुनाए, आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। भक्तों के कष्ट हरने को, भक्तों के पाप हरने को, भक्तों के कष्ट हरने को, भक्तों के पाप हरने को, हरि राम रूप में आए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, राम की कथा सुनाए भक्तों, राम की गाथा सुनाए, राम की कथा सुनाए भक्तों, राम की गाथा सुनाए। रामायण की पवित्र कथा प्रारंभ होती है भक्तों माँ धरती के नारायण हरि के सन्मुख जाने से। रावण के पापों से पूर्णतः त्रस्त होकर माँ धरती ने गैया का रूप बनाया और समस्त देवी देवताओं को लेकर वैकुंठ लोक पहुंच गई। हरि योग निद्रा में हैं कि गैया बनी धरती और देवी देवता हाहाकार मचाते हुए वैकुंठ लोक में आ गए हैं। नारायण हरि ने नेत्र खोले और देखा कि माँ धरती और देवी देवता व्याकुल स्वर में कोलाहल कर रहे हैं। तब धरती माँ ने कहा, हे प्रभु, इस रावण के पाप ताप संतापों से मेरा रक्षण कीजिए, मुझ पर भार बढ़ता जा रहा है। तब नारायण हरि ने धरती माँ को वचन भराया कि हे माँ धरती, मैं शीघ्र ही महाराजा दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा और आप सबके कष्टों को हरूंगा। नारायण हरि ने अपना वचन निभाया। भक्तों, अपने तीन और भाइयों भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहित अयोध्या नरेश दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। किशोरावस्था में आते ही उन्होंने मुनि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की तथा शिक्षा पाकर महलों को लौट आए। उसके पश्चात मुनि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण को लेकर उनके यज्ञों की रक्षा करने वनों में आ गए। प्रभु राम जी की पावन लीला प्रारंभ हो चुकी है। भक्तों, आइए आगे क्या क्या प्रसंग होते हैं आपको सुनाता हूँ। संग में भाई को लेकर प्रभु वनों में आए, पापी ताड़िका और सुबाहु पल में मार गिराए। गुरु के संग में भाई को लेकर प्रभु वनों को आए, पापी ताड़िका और सुबाहु पल में मार गिराए। चरणों की रज देकर भक्तों नार अहिल्या तारी, प्रभु राम की लीला भक्तों सारे जग में न्यारी। मिथिला नगरी में आए शिव धनुष को तोड़ गिराए, मिथिला नगरी में आए शिव धनुष को तोड़ गिराए, सीता संग ब्याह रचाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, रघुपति राघव राजा राम अति
गुरु विश्वामित्र के साथ राम जी और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी आए भक्तों, जहां मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचा हुआ था। प्रभु श्री राम जी ने शिव धनुष को भंग कर स्वयंवर की शर्त को पूर्ण किया और सीता जी संग विवाह किया। महाराजा जनक ने अपनी अन्य तीन पुत्रियां उर्मिला, मांडवी और श्रुति कीर्ति का विवाह भी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न संग करवा दिया। सजी धजी बारात चारों भाइयों और उनकी वधुओं के साथ अयोध्या आई है। अयोध्या नगरी झूम रही है, नाच रही है, प्रसन्नता मना रही है कि तभी दशरथ जी के मन में विचार आता है कि बस अब समय आ गया है कि मैं अपने पुत्र राम को राजपाट सौंप कर वन गमन को चला जाऊं। जैसे ही ये समाचार अयोध्या नगरी ने सुना, खुशियां और दोगुनी चौगुनी हो गई। परंतु कुटिल मंथरा उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था भक्तों। उसने कैकेयी के कान भर दिए और कैकेयी ने अपने धरोहर में रखे दो वरदान दशरथ जी से मांग लिए। पहले से भरत को राज्य और दूजे से राम जी को 14 वर्ष का वनवास। पिता के वचनों की लाज रखने हेतु प्रभु राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित तापसी रूप में वन गमन को आ गए भक्तों। अब प्रभु की लीला क्या क्या रंग दिखा रही है, अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पावन संगीत में कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जरा एक बार सच्ची श्रद्धा और प्रेम से जयकारा तो बोल दीजिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की। वचन की लाज निभाने प्रभु वनों को आए, केवट नैया में बैठाए गंगा पार लगाए। हाँ पिता वचन की लाज निभाने प्रभु वनों को आए, केवट नैया में बैठाए गंगा पार लगाए। पंचवटी में भ्रात लखन ने कुटिया एक बनाई, चुप नखा रावण की बहन भक्त वहाँ पर आई। लक्ष्मण ने बर्च चलाई वो नाक और कान कटाई, वो बड़ा ही रुदन मचाई। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए, लक्ष्मण जी के हाथों नाक और कान कटवाकर बदले की आग में जलती हुई श्रूटनखा अपने भाइयों खर और दूषण के सन्मुख पहुंचती है। खर दूषण उसका ये हाल देखकर क्रोध में धधकने लगते हैं तथा भारी सेना लेकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के सन्मुख पहुंचते हैं। परंतु वो क्या जानते थे कि वो जिन्हें एक मामूली तापसी समझ रहे हैं, वो इस सृष्टि के पालनहार नारायण हरि के अवतार साक्षात भगवान राम जी हैं। भगवान राम जी ने अलौकिक शक्तियों का प्रयोग कर खर दूषण और उसकी सेना का एक ही पल में सफाया कर दिया। यह देख श्रूपनखा अपने कटे नाक कान लेकर अपने भाई रावण के सन्मुख आई और हाहाकार मचाने लगी। रावण ने जब सारी बात जानी तो अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु उन्होंने मां सीता का छल से हरण कर लिया। भक्तों सीता जी को खोजते खोजते प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत के निकट आते हैं,
जहां उनकी भेंट उनके परम भक्त श्री हनुमान जी से होती है और हनुमान जी उनकी मित्रता सुग्रीव राज जी से करवा देते हैं। प्रभु श्री राम जी बाली को मारकर सुग्रीव को राजपाट सौंप देते हैं, जिसके बदले में सुग्रीव जी अपनी सारी सेना माँ सीता की खोज में लगा देते हैं। श्री हनुमान जी भी जामवंत अंगद सहित समुद्र किनारे पहुँचते हैं, जहाँ जामवंत जी हनुमान जी को उनका बल याद कराते हैं और हनुमान जी एक ही कूद में सागर लांघकर माँ सीता की सुधी ले आते हैं और रावण की लंका को जला कर भी आ जाते हैं। अब सागर पर सेतु बांधकर राम जी की सेना लंका में आ गई है और लीजिए लक्ष्मण जी और रावण के पुत्र मेघनाथ का युद्ध प्रारंभ हो गया है। भक्तों, मेघनाथ ने माया रचाई, लखन पे बरछ चलाई, मूर्छित होकर धरा पे गिर गए भक्तों लक्ष्मण भाई। मेघनाथ ने माया रचाई, लखन पे बरछ चलाई, मूर्छित होकर धरा पे गिर गए भक्तों लक्ष्मण भाई। हनुमान जी वैद्यराज को लंका से ले आए, संजीवन बूटी ले आओ वैद्यराज ये बताए। हनुमत उड़ करके धाए, बूटी का पर्वत लाए, हनुमत उड़ करके धाए, बूटी का पर्वत लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। आओ भक्तों, राम की गाथा सुनाए। बूटी वाला पर्वत लाकर श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और भरत के समान उन्हें अपना भाई बताया। और इधर लक्ष्मण जी का क्या कहना, मूर्छा के वापस आते ही लक्ष्मण जी एक बार फिर मेघनाथ के सम्मुख युद्ध करने जाना चाहते हैं। भैया राम के चरणों में गिर कर बार बार प्रार्थना की तो भगवान राम ने इसकी अनुमति दे दी। लक्ष्मण जी और मेघनाथ एक बार फिर आमने सामने हैं। भयंकर युद्ध हुआ, मायावी युद्ध का प्रयास मेघनाथ ने फिर किया, परंतु इस बार भाई लक्ष्मण पूरी तरह सचेत थे। उनकी एक एक प्रहार का उत्तर देते हुए अब की बार श्री लक्ष्मण जी ने वो अमोघ शक्ति चलाई कि मेघनाथ के प्राण पखेरु उड़ गए। इसी तरह से कुंभकर्ण, वज्रमुष्टि और रावण के सभी योद्धा प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, जामवंत जी, हनुमान जी और सुग्रीव जी ने एक एक कर मार गिराए। अब वो घड़ी आ गई भक्तों, जिसकी प्रतीक्षा पूरी सृष्टि कर रही है। सत्य की असत्य पर विजय होने को है, पुण्य पाप को परास्त करने वाला है। भक्तों, प्रभु श्री राम और रावण एक दूसरे के सन्मुख हैं। एक से एक अमोघ शक्तियां दोनों एक दूजे पर चला रहे हैं। राम जी ने रावण के दसों शीश काट डाले, परंतु वो था कि मर ही नहीं रहा था। ऐसे में विभीषण ने उन्हें बताया कि रावण की नाभि में अमृत कलश है, जब तक वो अमृत सूखेगा नहीं ये मरेगा नहीं। तब प्रभु श्री राम ने अग्नि बाण को साध कर रावण की नाभि में मारा भक्तों, और जैसे ही अमृत सूखा रावण के प्राण पखेरु उड़ गए। तीनों लोग प्रभु श्री राम की जय जयकार कर रहे हैं। नभ से देवी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने सीता जी को रावण की कैद से मुक्त करवाया तथा पुष्पक विमान पर बैठकर
अयोध्या नगरी वापस आ गए। और इधर अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम का कैसे स्वागत कर रही है, आइए सुनाता हूँ। परंतु प्रभु श्री राम की विजय के उपलक्ष में एक जयकारा तो लगा दीजिए मेरे साथ, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की। रावण मार के राम लखन सिया लौट अयोध्या आए, नगरी अयोध्या दीप जला कर दीपावली मनाए। हो रावण मार के राम लखन सिया लौट अयोध्या आए, नगरी अयोध्या दीप जला कर दीपावली मनाए। भाई भरत की खुशी न पूछो फूले नहीं समाए, माताएं आरती उतारे मंगल गान तिगाए। श्रृंगार प्रभु करवाए सिंहासन पर बिठवाए, प्रभु राज तिलक करवाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए। गुरु ने मंत्र पाठ करवाकर प्रभु श्री राम जी को राज मुकुट पहनाकर अयोध्या का राजा बना दिया। भक्तों देवी देवताओं ने नभ से पुष्पों की वर्षा की और प्रभु श्री राम जी की जय जयकार की। देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने प्रभु श्री राम जी को राज तिलक की बधाइयां दी और ढेर सारे उपहार भी प्रदान किए। नगरी अयोध्या ने घर घर में घी के दीप जलाकर उस काली अंधियारी रात को दीपों से रोशन उजियारा बना दिया। भक्तों नृत्य संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, माताएं मंगल गान गा रही हैं, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न चंवर ढुरा रहे हैं और हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठकर उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा विहंगम दृश्य ना तो सृष्टि ने पहले कभी देखा था भक्तों, और ना ही कभी दोबारा देखेगी। तो ये थी भक्तों पावन प्रभु श्री राम जी की कथा। यदि कथा कहने में लिखने में और सुनाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ प्रभु का जयकारा लगा दीजिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की, बोलिए मैया सीता जी की, बोलिए भैया लक्ष्मण लाल जी की। राम लखन और सीता का सोला श्रृंगार कराए, गुरुदेव ने मंत्र पढ़े और राम को राजा बनाए। ओ राम लखन और सीता का सोला श्रृंगार कराए, गुरुदेव ने मंत्र पढ़े और राम को राजा बनाए। भरत लक्ष्मण चवर ढुराए हनुमत चरण दबाए, भाई शत्रुघ्न चरण धूल से चंदन तिलक लगाए। नब से है पुष्प बरसाए सब जय जयकार लगाए, सब राम दरस है पाए। आओ भक्तों राम की गाथा सुनाए।
भगवान श्री राम ने राजा बनकर समस्त आर्यावर्त में राम राज्य स्थापित किया भक्तों, जिसकी चर्चा आज भी इस घनघोर कलयुग में होती है। इसीलिए भक्तों, इस घनघोर कलयुग में यदि पाप ताप संताप मिटाने हो तो एक माला प्रभु श्री राम जी के नाम की अवश्य फिराइए। जिस तरह अपने परम भक्त हनुमान जी पर श्री राम जी ने अपनी कृपा बरसाई है, वैसे ही वो आप सब पर ही कृपालु हो, मेरी यही मंगल कामना है। तो ये प्रण लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुलसीदास जी के कहे अनुसार कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप भी चाहे कितने ही व्यस्त हो, जब भी समय मिले आप प्रभु श्री राम जी के नाम का सुमिरन करते रहें। तो प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए मैया सीता की, बोलिए श्री लखन लाल जी की, बोलिए राम भक्त हनुमान जी की।